नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पवई अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एवं अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर सैकड़ों की संख्या में रसोईया संघ इकट्ठा होकर पैदल मार्च निकालते हुए तहसील कार्यालय एसडीएम के पास पहुंची, जहां पर रसोइयों ने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार ज्योति राजपूत को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में पीएम पोषण आहार मध्यान्ह भोजन साझा चूल्हा योजना में काम कर रसोइयों ने मानदेय बढ़ाने योजना के तहत मिलने वाली राशि व अनाज में हो रही कटौती को बंद करने सहित अन्य समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। जो इनकी 2000 रुपया वेतन है, तो एक माह जो खाना बनाती है वो बहुत कम है, इसलिए इनकी मांग है कि कम से कम कलेक्टर रेट पर दिया जाए और 10,000 रुपये है कम से कम 6,000 किया जाए। जो 500 रुपये इन्हें खाना पीना का मिलता है उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये दिया जाए। और एक प्रॉब्लम है इनकी सबसे बड़ी, जो खाद्यान्न आता है वो इनको समय पर नहीं मिल पाता है, और आज भी प्रॉब्लम है वो दो महीने तीन तीन महीने में मिलता है और कभी कभी मिलता ही कुछ राशि है वो भी डेट आती है 2 महीने 4 महीने में आती है, रसोइयों के भी 3-4 महीने में ये मांग है। कुछ रसोइयों का पैसा भी पड़ा है क्या मंथली? अभी माह उनका मिलना बाकी है, कितने कितने माह का? कम से कम साझा चूल्हा का 3-4 माह का मास है, राशि समय से नहीं आती है, 2-3 माह नहीं आती है, तो इतनी कम राशि है। तो चूँकि मीनू के आधार पर बच्चों को खाना दिया जाता है घर पे, और दाल चावल सब्जी पूरी खीर सब कुछ है, वो 5 रुपया 45 पैसा में खाना मिलता। अब मानदेय कितना मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं? प्राथमिक खंड में 10 रुपये प्रति बच्चा होना चाहिए और माध्यमिक खंड में 15। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुज रुपये का कम 45 पैसे दिए जाते हैं, तो उसके 10 रुपये होना चाहिए। वो जो माध्यमिक शाला में 8 रुपये 17 पैसे दिए जाते हैं, उसके 15 रुपये होने चाहिए। और खाद्यान्न भी उसमें कम है, माध्यमिक में 150 ग्राम दिया जाता है और प्राथमिक में 100 ग्राम दिया जाता है, जबकि 200 में होना चाहिए और 250 माध्यमिक में होना चाहिए, तब पूर्ति हो पा। और समय पर ना पैसा मिला ना राशि मिला, और रसमंजन की भी राशि 2000 में दी जाती है, जबकि 10 होना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्मचारियों की तो भी बढ़ा दी, लेकिन 2000 से ज़्यादा भी बढ़ा नहीं रहे। इतने दिन हमें विज्ञापन सौंपत हो गए, वो भी आज तक सुनाई नहीं भाई, तो हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब इनकी सुनाई हो सके, वो कम से कम 10,000 वेतन उनकी हो सके। अभी कितना मिल रहा है वर्तमान में? 2000। तो क्या चाहते हैं आगे? कितना 10,000 होना चाहिए जी। और आंगनबाड़ी में जो साझा चूल्हा हमें 500 रुपये दिए जाते, कहो एक एक साल लगा सर, तो उसमें भी 5,000 से कम ना होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या? आगे हम हड़ताल चालू कर दी या बंद कर दें। क्या नाम? पवई से खबर समय जगत के लिए संवाददाता सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।